दोस्तों, अगर आप विंडोज़ 11 को यूज़ कर रहे हैं बहुत टाइम से, जैसे कि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, वैसे मैं विंडोज़ 10 और 11 दोनों को ही साथ में यूज़ कर रहा हूँ। कभी कभी 8 भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, कभी कभी विंडोज़ 7 भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये सब मुझे करना पड़ता है कि आप लोगों के लिए नया नया तरीका, नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ, तो इसके लिए ये सब यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे आप जानते हो कि विंडोज़ 11 में पहले आप ऐसे राइट क्लिक करते थे तो आपको रिफ्रेश बटन नहीं दिया गया था, तो उसको सॉल्व कर दिया गया था। अभी एक प्रॉब्लम है कि आप कोई भी एक फोल्डर या कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत ऑप्शन तो दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप शो मोड में जैसे जाओगे तो बाकी सारा जो ऑप्शन है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में दिखाएंगे कि आप विंडोज 11 का जो राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेनू, इसको आप विंडोज 10 की तरह कैसे कर सकते हो। इस चीज के लिए सबसे पहले आपको अपना कीबोर्ड में विन के प्लस आर प्रेस करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा रेज एडिट, फिर आप ओके पे क्लिक कर दो, फिर यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको जाना है एच की करंट यूजर, फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर, फिर क्लैशेस, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर सी एल एस आई डी, इसको ओपन कर लेना है। फिर इसको ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, फिर न्यू पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे की पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ये जो नया एक फाइल क्रिएट होगा इसका जो नाम आपको डालना है, देखिए यहाँ पे मैं आपका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐसे कॉपी कर लेना है। फिर यहाँ पे ये जो की आप लोग क्रिएट कर रहा था, ये जो की हम लोग क्रिएट कर रहे थे, इसको फिर से राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे ऐसे राइट क्लिक करके। ये बन चुका है, तो ये जैसे हो जाएगा फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे की पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका जो नाम आपको डालना है बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऐसे ही डालना है। सामने का ये जो आई ये कैपिटल में होगा और एस कैपिटल में होगा, बाकी इसके बाद एंड में आपको 32 जोड़ देना है, कहीं पे स्पेस कुछ नहीं होगा, आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। फिर आपको बाहर से क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए एक डिफॉल्ट वाला ये जो फाइल क्रिएट हो चुका है इसके ऊपर डबल टैप करना है, फिर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, में कुछ छेड़खानी नहीं करना है, बस ओके पे क्लिक कर दीजिए, बस ये काम अपना हो गया है। अभी आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, फिर एग्जिट पे क्लिक कर देना है। देखिए ये तो नॉर्मल सा है, अभी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी तक वो ऑप्शन आया नहीं है, तो अभी आपको अपना कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना है। आप दोस्तों कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है, अभी आप अपना कोई भी फोल्डर के ऊपर जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कॉन्टेक्स्ट मेनू है बिल्कुल विंडोज 10 की तरह यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है, तो आपका भी ऐसे बन चुका होगा। तो एक और चीज दोस्तों, अगर आप इस चीज को हटाना चाहते हैं यानी कि पहले जैसे बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर से विन की प्लस आर प्रेस करना है, फिर यहाँ पे एडिट टाइप करके आपको ओके पे प्रेस करना है, फिर यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ये जो फोल्डर आपने बनाया था पूरा का पूरा फोल्डर आपको ऐसे राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे यस पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो जो भी आपने मॉडिफाई किया था रजिस्ट्री एडिटर पे वो सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा। देखिए ये कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, जैसे कि पहले जैसा नॉर्मल बन चुका है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, अगर पसंद नहीं आता है तो आप रिस्टोर कर सकते हो। कहते हैं दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल वाला आइकन आएगा उसको ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस और ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल अपलोड करता रहता हूं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका भी मन में कोई सवाल या सोचा हुआ तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएगा, क्योंकि आपका ये जो कमेंट है वो पढ़ के मुझे नया नया वीडियोस बनाने का आइडिया मिलता है और इंस्पिरेशन मिलता है। इस चीज़ के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।